वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिवस शेयर्स में आपका स्वागत है। तो सेटिंग्स जो है काफी हद तक आपको आज चेंज लग रही होंगी, और वो भी क्यों ना, डेढ़ साल से एक ही जगह पे मैं शेविंग बना रहा था और आप भी देख देख के वो पीछे का दरवाजा और वो पीछे के टॉवल थक गए होंगे। बट आज का जो रीजन ये चेंज होने का इसलिए भी है कि जो मेरा क्लैंप था, जो मिरर क्लैंप था, वो आज सुबह जब मैं उसको लगा रहा था, मोबाइल अपना फिट कर रहा था, तो टूट के नीचे गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो मेरे बेटे ने एकदम से अपनी प्रबल बुद्धि लगाई, उन्होंने कहा पापा डोंट वरी, तो आपका जो ट्रैपॉड है आज उसको यूज कर लेते हैं। तो आज कुछ जो है लाइट के हिसाब से मैंने थोड़ा ऐसा एडजस्टमेंट रखा है, तो स्टाइल मारने के लिए आपको पीछे जो है चीजें नजर आ रही होंगी थोड़ी बहुत शेविंग की, और जो आज मेरा जो बेसिन वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एनीवे, मैं अपनी बकबक से ज्यादा आपको हैरान परेशान ना करूं, सीधे मुद्दे पे आता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो आज के शेविंग में खास क्या है, आज जो है पहली बार मैं अपने चैनल में एक विदेशी रेजर का इस्तेमाल करने वाला हूं, उसके रिव्यूज बताने वाला हूं। तो अब मैं दिखाई देता हूं। सो यस, हैप्पी फुर्रे। तो अल्टीमेटली जो है ये हथियार मेरे हाथ दिया गया, जर्मन वेपन MK-34C। तो हाल ही में मैंने प्रोक्योर किया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अपने इंडियन वेट शेविंग गुरु सुधीर खोखर जी का, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी डील में मेरे को ये रेजर उपलब्ध कराया। थैंक्स अ लॉट खोखर जी। नाउ इस रेजर के बारे में अगर मैं बताऊं, वजन जो है इसका 78 ग्राम के आसपास है, और जो हैंडल है इसका वो ब्रास का बना हुआ है, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की इसमें क्रोम फिनिश की गई है, और आई थिंक ऊपर जो है शेविंग जो हेड है वो जमैक का बना हुआ है। और एक लेजेंडरी जो है ये रेजर कहलाता है वेट शेविंग की दुनिया में। इसकी कंपैरिजन जो किया जाता है एडविन जैगर DE89 या फिर मूला आर 89 रेजर से अक्सर इसकी की जाती है, तुलना जिसे कहते हैं। और मर्कर जो है एक बहुत ही पुरानी एक जर्मन एक ये ब्रांड है, एक कंपनी है, 1906 से ये रेजर बना रही है ये कंपनी। मर्कर सोलिंजन जर्मनी में एक जगह है सोलिंजन, जहां पे 1906 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था, और उस जमाने में उन्होंने रेजर और प्रीमियम कटलरी का निर्माण करना शुरू किया, ये कह के कि ये हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे और लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेंगे, दे विल लास्ट योर लाइफ टाइम। अब पता नहीं, लाइफ टाइम की तो कह नहीं सकते, अभी हाल ही में मैंने प्रोक्योर किया है, मगर जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले काफी समय से वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। और इसको मर्कर HD भी बोलते हैं, HD मीन्स हैवी ड्यूटी, इट्स अ हैवी ड्यूटी रेजर। बट फिट फिनिश के मामले में अच्छा है, मगर इसको देख के मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो हमारे इंडियन उत्पाद हैं जैसे पर्ल है या फिर पार्कर है वो इससे कुछ पीछे हैं। बट लेट सी कि आज इसका यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है। और ये एक 2-पीस रेजर है, सो नीचे से जो है ट्विस्ट ओपन, इट्स नॉट बटरफ्लाई ओपन, बट नीचे से है इसका सारा मामला, और ऊपर ये जो है इसका शेविंग हेड, और ये बेस प्लेट जो है हैंडल से अटैच है, 3 इंच का हैंडल है, और काफी कुछ सिमिलर है ये डिजाइन के मामले में अपने जो पर्ल T121 जो रेजर आता है T121 उससे काफी कुछ सिमिलर है। सो लेट्स सी। सो छोटा हैंडल है इसका, इट्स नॉट अ लॉन्ग हैंडल। तो जल्दी से आज इसमें पहले ब्लेड नोट कर लेते हैं। सो माय फेवरेट गो टू ब्लेड विल्किंसन सोर्ड, आज इसका पहला इस्तेमाल होगा। सो यू कैन सी विल्किंसन सोर्ड ब्लेड, या लोड करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी सी भी असावधानी दुर्घटना से आपको ग्रसित कर सकती है। सो यू कैन सी ये लोड हो गया है। सो आप अगर देख सकते हैं उसका ब्लेड गैप, और बहुत ही जो है ओवरहैंग भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ओवरहैंग इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो आज के और प्रोडक्ट्स हैं, आज रुबाब मैन की एक ट्रैवलिंग किट आती है, तो उससे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स मैं आज आपको शेयर करूंगा। सो रुबाब मैन का बॉम्बर, इसका नाम उन्होंने बॉम्बर दिया है, सिंथेटिक ब्रश।
काफी कुछ सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है रुबाब मैन का ही जो फायरफ्लाई कैंडी जो हैंडल वाला जो ब्रश आता है उसी का सिमिलर है, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी प्रीमियम क्वालिटी ब्रिसल्स, नो डाउट अबाउट दैट। इस किट में इन्होंने ये आफ्टर शेव बाम प्रोवाइड किया है, पोस्ट शेव बाम, फंटास्टिक स्मेल, बहुत ही बढ़िया स्मेल है इसकी, बिल्कुल बाबर शॉप जैसी। और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आज मैं ट्राइगोडॉन का वुडलैंड एम्बर सोप यूज करने वाला हूं। उसका रीजन क्या है कि इसकी स्मेल भी काफी कुछ इसके सिमिलर है, तो इसको मैंने ब्लूम नहीं किया है। आई विल डायरेक्टली लिफ्ट द सोप यूजिंग दिस ब्रश, सो वन ऑफ माई फेवरेट सोप्स। और प्री शेव में रुबाब मैन का ही प्री शेव ऑयल आज मैं यूज करूंगा। और बहुत ही बढ़िया बात यह है कि इस शेविंग किट के साथ इन्होंने ये रुबाब मैन जो है एक शेविंग टॉवल भी दिया है। तो आज एक काम करते हैं, नहा तो मैं काफी देर पहले लिया हूं, तो बियर्ड को आज इस टॉवल से, इस हॉट टॉवल से मैं काफी स्मूथ कर लेता हूं। सो नो डाउट रुबाब मैन हैज डेफिनेटली अप्ड द गेम व्हेन इट कम्स टू इंडियन मेड शेविंग। सो रुबाब मैन का प्री शेव ऑयल, सो एक प्लास्टिक कंटेनर बॉटल में, सो इतना काफी है। बहुत ही अच्छी स्मेल, हल्की सी मेरे को इसमें फेनल सौंफ जैसी स्मेल आ रही है। सो वुडलैंड एम्बर फ्रॉम द हाउस ऑफ ट्राइगोडॉन, सो दोस्तों आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा ये सेटिंग आपको ठीक लगी मेरी शेविंग टाइम की, जो मेरा बाथरूम है। और अगर आपको पुराना वाला सेटिंग चाहिए तो नो डाउट मैं उस मोड में भी वापस आ जाऊंगा। सो इस तरह से 30 से 40 स्वर्ल्स मैंने सोप के ले लिए हैं, और बाकी का जो हल्का सा फोम है वो मैंने यहां से लिफ्ट कर लिया है। सो लेट्स मेक द लादर। सो मर्कर 34C इसके कंपैरिजन किया जाता है, इसको ऐसा माना जाता है कि ये माइल्ड रेजर है, और कोई भी बिगनर जो शुरुआत करना चाहता है वेट शेविंग की तो उनको रिकमेंड किया जाता है, बट एट द सेम टाइम प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स वेट शेवर ऑल्सो कीप ऑन रोटेटिंग दिस रेजर। तो अब मैं आने वाले टाइम में देखूंगा कि कौन कौन से ब्रेड जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस रेजर को, और जैसे ऐसे और विदेशी रेजर्स मैं एक्वायर करूंगा मैं कंपैरिजन जरूर देता रहूंगा। EJ89 एडविन जेगा 89 मूले R89 उनसे कैसे कंपैरिजन में रहता है, क्योंकि अक्सर जितने भी मैंने इस तरह के ब्लॉग्स और चैनल्स देखे हैं हर लोगों ने इन दो रेजर से इसकी तुलना की है। और साथ में ये भी देखेंगे कि ये विदेशी जो रेजर्स हैं इनका जो परसेप्शन हमारे माइंड में बना हुआ है क्या ये वाकई में इतने अच्छे हैं, मतलब इतने अच्छे हैं भी, या ये एक सिर्फ परसेप्शन हमारा बना हुआ है। हमारी जो लोकल कंपनियां हैं पाकर, पिंक वॉल्फ, इसी तरह से पर्ल, इनके रेजर्स क्वालिटी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में कहाँ स्टैंड करते हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली
एक रिज, एक ब्रिसल लॉस, इट इज नॉट अ बिग थिंग। तो सामने यार शेविंग मिरर नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा एस्टिमेट लेने में दिक्कत हो रही है। एनीवे काफी थिक लादर बन गया है। सो पेस्टी, आई नॉट कॉल इट्स योगर्टी बट इट्स अ पेस्टी लादर। तो थोड़ा सा मेरे को इसको पतला करना पड़ेगा अभी। लेट मी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। नाउ इट्स परफेक्ट। So let's clear the runways. चलिए, so first use of this blade, Wilkinson sword, loaded in Merkur 34C. Let's see how it performs. तो आई कैन नॉट सी, मेरे को इतना क्लियर अभी विजिबल नहीं हो रहा है मेरी साइड बंस। नो आई थिंक नाउ इट्स ओके। Wonderful, perfect. Side burns. Let me see clearly first. Now it's okay. तो दोस्तों ऐसा अभी तक मेरे को लग रहा है मेरे को एंगल फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई।
अमेजिंग, सुपर स्मूथ। तो यार जितनी तारीफ सुनी थी उससे भी कहीं आगे निकला है रिजल्ट, नो डाउट अबाउट दैट। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे को ब्लेड फील ही नहीं हुआ, इट्स सो स्मूथ। और इसीलिए इसको मैं कहूँगा कि ये बड़ा ही माइल्ड टाइप का रेजर है। और ऐसा हमने कई अपने शेविंग चैनल्स में और इस तरह के ब्लॉग्स में काफ़ी पढ़ा भी है इस रेजर के बारे में। सो इट्स वेरी स्मूथ और काफ़ी हद तक ये जो है आपको एक एफर्टलेस शेप दे देता है, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। एंड इट्स अ माइल्ड रेजर। तो इसके कंपेरिजन में अगर मैं अपने जो अपने पर्ल जो है उनके जो आपके आते हैं A141 है, L55 है, वो मीडियम एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उससे दो पायदान नीचे है ये, तो स्मूथ है। अगर हम भारतीय उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे प्रिस्टीन का जो रेजर आता है और उसी के साथ रोमा 7 वर्गो, तो वो इसके काफ़ी हद तक हम क्लोज रखेंगे। मगर कभी मैं उनकी भी कंपेरिजन शेप बनाऊंगा इसके साथ, तो देखेंगे कि किस हद तक ये सिमिलर है या डिसिमिलर है। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो अपने लाइफ टाइम में बिकॉज ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस या फिर वर्ड ऑफ माउथ या वो कहते हैं एक मार्केटिंग बज, उसकी वजह से एक हैलोड इफेक्ट गेन कर लेते हैं। हैलोड का मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल भगवान जैसा, एक कल्ट। तो उसी कल्ट स्टेटस को ध्यान में रखते हुए पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से और अपनी स्वदेशी भावनाओं को साइड में रखते हुए इस रेजर का मैं रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि व्यूज मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं इसको और इनके बारे में सुना था 5-6 साल पहले से। इसको भी क्यों बचाओ यार। दोस्तों ट्राइगोडॉन का अगर आप शेविंग सोप यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको। ये भी एक बड़ा ही अंडररेटेड शेविंग सोप है, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस निकालता है ये। चलिए सेकंड पास अक्रॉस द ग्रीन। मिरर इस तरफ है ना, तो मेरे को जरा पोजीशन सही लेनी पड़ती है। नेक एरिया के में चलाने में मेरे को ये पर्ल और पिंक फुल्स के जो रेजर्स आते हैं उससे काफी स्मूथ लग रहा है। उसका एक रीजन हो सकता है एंगल ऑफ द ब्लेड।
बहुत ही बढ़िया। सो टुडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव गॉट अ कंप्लीट BVS शेप। लेट्स कम स्ट्रेट टू एक्सटिंग्विश द फायर, सो आई डोंट फील एनी फायर। तो रुबाब मैन एक्सटिंग्विश द फायर पोस्ट शेव बाम। सो इस तरह के बॉक्स में है ये, ऊपर एक लिड आती है इसमें, ये चिपक गई है तो इसके ऊपर एक कैप होती है, कैप के नीचे लिड है और ऑफ कोर्स इट स्मेल्स वंडरफुली गुड एंड वेरी सिमिलर टू वुडलैंड कहाँ से हो गया, ट्राइगोडॉन वुडलैंड एम्बर सोप। और बाबर शॉप स्मेल है इसकी और बहुत ही सटल एंड क्रीमिश टेक्सचर है इसका। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। ऑसम, वेरी लाइट, वेरी सटल बाबर शॉप स्मेल, बहुत ही मन। और मुझे नहीं लगता बहुत लंबा टिकेगी ये खुशबू, मगर जब तक रहेगी आपको जो है फ्रेश रखेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एकदम से यस एब्जॉर्ब हो रही है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और आपको बिल्कुल चिपचिपा एहसास नहीं होगा इसमें। तो बहुत सारे बाम्स मेरे पास ऐसे हैं जो थोड़ा सा ऑयलीपन का एहसास कराते हैं, वो बिल्कुल नहीं है इसमें। यू फील सो गुड, सो रिफ्रेश। सो जल्दी से रिकैप्चर करते हैं आज क्या क्या किया हमने। तो मेन मुद्दा था इसके डिस्कशन का मर्कर 34C, जितनी तारीफ सुनी थी बिल्कुल उस पर खरा उतरा है और मैं इसको 5 में से 5 डेफिनेटली दूंगा या देना चाहूँगा। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही माइल्ड इसने शेव निकाली और आज 4 दिन पुरानी मेरी बियर्ड थी उसको आराम से इसने रिमूव किया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी जलन नहीं हुई मेरे को शेव करते हुए। सो बट अ स्मूथ ग्लाइड यूजिंग दिस रेजर। बट ये दोस्तों हमेशा याद रखना, ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए आपका प्री शेव प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी बियर्ड बहुत ही अच्छे से साफ होनी चाहिए, साफ इन द सेंस कि उसको हो सके तो आप उसको मॉइस्चराइज कीजिए। थोड़े गर्म सर्दियों का टाइम है तो कई बार जो स्टबल बहुत हार्ड होती है उसको आप थोड़ा सा वार्म वाटर के साथ उसको आप थोड़ा स्मूदन कर दीजिए और फिर देखिए क्या मज़ा आएगा। और प्री शेव यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप करिए। सो 5 out of 5 या 10 out of 10 फॉर दिस रेजर, फंटास्टिक फ्रॉम द हाउस ऑफ मर्कर। तो ये अब मेरे शेविंग टाइम में एटलीस्ट फॉर सम टाइम परमानेंट तो रहने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। और इसको पेयर किया था मैंने विल्किंसन सोर्ट के साथ, अब और भी देखेंगे। नॉर्मली मैंने ऐसा सुना है और मेरे को एक बार जॉय ने भी बताया था कि सर जितने भी माइल्ड रेजर है उसमें तो थोड़ा आप शार्प ब्लेड्स डालिए। तो फैदर के साथ मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बिग के साथ ट्राई नहीं किया है और सुपरमैक्स प्लैटिनम के साथ ट्राई नहीं किया है, एस्ट्रा के साथ ट्राई नहीं किया है। तो ये सब भी चीज़ें इसको बीच बीच में करके देखेंगे। बट नो डाउट अबाउट इट, एक चीज साबित हुई कि विल्किंसन सोर्ट मोस्ट ऑफ द रेजर के साथ बहुत बढ़िया काम करता है। चलिए, मेरी बकबक बहुत ज़्यादा हो रखी है। और रुबाब मैन का ये बॉम्बर ब्रश, तो बॉम्बर नाम क्यों रखा आई डोंट नो, बट काम इसका बहुत ही अच्छा है, शानदार और बहुत ही बढ़िया दादा बनाता है ये। प्री शेव ऑयल बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है इसमें, बहुत ही बेहतरीन आपको रेजर ग्लाइड करने में मदद करता है। तो मेरी मानिए दोस्तों, पहले मैं मानता था कि प्री शेव ऑयल कहीं ना कहीं एक गिमिक फीचर है, बिल्कुल नहीं है। आप इनको कंटिन्यूस यूज कीजिए, नहीं आप अभी खरीद सकते कोई बात नहीं, कोकोनट ऑयल लीजिए, उसको थोड़ा सा पिघला करके 3-4 बूंदे फिर आप रब करिए, 1-1.5 मिनट बाद आप फोम बनाइए और उसके बाद आप शेव करिए, आपको एक अलग लेवल की शेविंग डेफिनेटली मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है। एंड ऑफकोर्स ट्राइगोडॉन वुडलैंड एम्बर शेविंग सोप, वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो आई होप आपको आज का ये शेविंग सेशन पसंद आया होगा और नए जो है प्रोडक्ट के साथ मैं आप सभी को अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने और अपने परिवार वालों का बहुत बहुत ध्यान रखिए, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो उनका तो विशेष ध्यान रखिए।
मुस्कुराते रहिए, महकते रहिए, शेविंग करते रहिए, जिंदगी में और कुछ ज्यादा रखा नहीं है। और अबे ज्यादा मत बोलो, ओके टाटा बाय बाय करो। चलिए, जय हिंद, सायोनारा, साइनिंग ऑफ नाउ, बाय।